नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधेश्याम क्लासेस के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपन आहार नाल से रिलेटेड जो भी नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं और नीट के अंदर जो जो क्वेश्चन संभावना है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। आहार नाल में भी अपन आहार नाल मतलब मुख से लेके गुदा तक जो जो क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जा सकते हैं या फिर जो जो क्वेश्चन जो नीट के अंदर पूछे गए हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसा ही कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं आहार नाल के ऊपर बात करते हैं कि नीट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो पहला है अमाशय के श्लेष्मिका की पेराइटल कोशिकाएं निम्न से किसका स्त्रावण करती हैं। आमाशय जो है उस आमाशय के श्लेष्मिका की पेराइटल कोशिकाएं कौन सी कोशिका बोला पेराइटल। पेराइटल का मतलब होता है क्या होता है कि परिधीय या अम्लजन कोशिका जिसको बोलते हैं परिधीय या अम्लजन कोशिका। ऑप्शन दे रखे हैं कि म्यूसिन का करती है पेप्सिन का या हैसियल का या उपरोक्त सभी। आमाशय की म्यूकोजा की पेराइटल कोशिका किसका स्त्रावण करती है तो आमाशय की म्यूकोजा की पेराइटल कोशिकाएं हैचियल और साथ ही साथ नेज कारक का भी स्त्रावण करती है। तो हैचियल के अंदर ऑप्शन में था तो हैचियल जो है वो करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों का इनेमल स्त्रावित होता है कौन सी कोशिकाओं द्वारा। तो ऑप्शन दिया है एमिलोब्लास्ट ओडोंटोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। तो इनेमल जो है वो कौन सी कोशिकाओं से स्त्रावित होता है तो वो होता है एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं से एनेमल का स्त्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य में 17 साल से पूर्व का दंत सूत्र क्या है। तो दंत सूत्र मैंने तीन दिखाए थे आपको, एक तो वयस्क का लिखाया था, एक 17 वर्ष के आसपास का लिखाया था और एक बच्चों का लिखाया था। इसने क्या पूछा है कि 17 वर्ष के आसपास का पूछा है तो 21/22 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में इसके अंदर 21/22 पहला ही ऑप्शन है वो हो जाएगा। उसके बाद आमाशय के श्लेष्मिका स्तर की कौन सी कोशिकाएं पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है। आमाशय के अंदर तीन कोशिकाएं थी उसमें से पेप्सिनोजन का या फिर जो प्रो एंजाइम है उसका जो स्त्रावण कौन करती है तो देखो एक तो होती है मुख्य या जाइमोजन कोशिकाएं, ठीक है। एक होती है परिधीय अम्लजन कोशिका और एक होती है श्लेष्मा कोशिका। श्लेष्मा कोशिका क्या करती है श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, ठीक है। और परिधीय और अम्लजन कोशिका बता दें मैंने HCl और नेज कारक का स्त्रावण करती है। तो पीछे कौन सी रही बेटा मुख्य व जाइमोजन कोशिकाएं। तो मुख्य व जाइमोजन कोशिकाएं क्या करती हैं तो मुख्य व जाइमोजन कोशिकाएं जो हैं वो पेप्सिनोजन और प्रोएंजाइम जो भी पेप्सिनोजन जो प्रोएंजाइम है उसका स्त्रावण करती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं म्यूकोजा की सबसे अंदरूनी परत डैश के अलावा सबसे स्तंभाकार उपकला की बनी थी तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रसिका, क्योंकि ग्रसिका के अंदर जो है देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है म्यूकोजा की सबसे अंदरूनी परत डैश 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 के अलावा सब में स्तंभाकार उपकला की बनी थी। तो ग्रसिका के अंदर एक स्तंभाकार उपकला की नहीं होती है, बाकी सबके अंदर क्या होती है स्तंभाकार उपकला की बनी होती है। अपने आहार नाल की औचकी में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा उगते हैं। तो अपन को पता है कि जो दूध के दांत होते हैं वो मनुष्य के अंदर वापस उगते हैं तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20। तो 20 दांत हैं जो वापस उगते हैं जीवन काल के अंदर। मानव में वो दांत जो काटने में मदद करते हैं तो काटने में एक ही दांत होता है कृत्रिम इंसाइजर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो काटने में मदद करते हैं। दांतों की प्लब गुहा मैंने लिखाया था आपको प्लब गुहा या मैंने इंग्लिश में लिखाया था प्लब कैविटी। तो मानव की जो प्लब कैविटी है वो डैश 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 से आस्त्रित होती है तो उसके अंदर प्लब कैविटी के अंदर मैंने लिखा था कि ओडोंटोब्लास्ट कोशिका ही होती है जो दांतों के विकास से संबंधित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडोंटोब्लास्ट सेल, ठीक है। उसके बाद अपन हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो नीट के अंदर पूछे गए हैं इस आहार नाल से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन है आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था एम्स 2011 के अंदर पूछा था। एक युवा व्यक्ति को जीभ का कैंसर हो गया। क्या हो गया जीभ का कैंसर, उसके जीभ को पूरी तरह हटा दिया, जीभ को पूरी तरह हटा दिया है तो निम्न में से कौन सी अवस्था उस व्यक्ति के व्याख्या करेगी, उस व्यक्ति में हो सकने वाली घटना की व्याख्या कर सकेगी। तो देखो जीभ को पूरी तरह हटा दिया, इसने ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन पढ़ो, ठीक है। एक तो क्या दिया है मीठा एवं नमकीन का स्वाद,
मीठे और नमकीन का स्वाद वो ले पाएगा। जब जीभ को पूरी तरह हटा दिया तो मीठे और नमकीन का स्वाद तो वो ले नहीं पाएगा। एक तो ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा है मीठे का पता नहीं लगा सकता परंतु नमकीन का लगा सकता है। क्या बात हो गई, अब जब जीभ ही नहीं है, जीभ ही नहीं है उसके पास, तो मीठे का ही नहीं लगा सकता और नमकीन का ही नहीं लगा सकता, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, स्वतः ऑप्शन है कि मीठे व नमकीन का स्वाद ले सकता है परंतु गुलाब की गंध नहीं ले सकता। तो मीठे और नमकीन का स्वाद कहाँ से लेगा, जीभ ही नहीं है उसके पास परंतु गुलाब की गंध नहीं ले सकता है। गुलाब की गंध तो लेगा ही, गुलाब की गंध मुंह से थोड़ी देर, जीभ से थोड़ी, जीभ से थोड़ी देर जाती। तीसरा ऑप्शन अभी सुनिए, गुलाब का सुगंध ले सकता है परंतु मीठे व नमकीन का स्वाद नहीं ले सकता। इसके अंदर देखो कितना घुमा के दिया है, गुलाब की सुगंध ले सकता है, सुगंध कहाँ से ली जाती है, नाक से ली जाती है, तो गुलाब की तो वो सुगंध ले सकता क्योंकि उसकी जीभ जो है उसको हटाया है, नाक को नहीं हटाया, तो गुलाब की सुगंध वो ले सकता है परंतु मीठे एवं नमकीन का स्वाद नहीं ले सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी जीभ नहीं है तो मीठे और नमकीन का स्वाद नहीं ले सकता। इसका आंसर हो जाएगा 3। बहुत ही अच्छा घुमा के क्वेश्चन दिया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि नीट 2017 के अंदर पूछा गया था, नीट 2017 के अंदर पूछा गया था कि एक 2 वर्ष के शिशु को, ध्यान से सुनना, एक 2 वर्ष के शिशु को क्रीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया, ठीक है, दिलाया गया। वहां दंत परीक्षण पर दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु के 20 दांत थे। दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु के 20 दांत थे, शिशु के कौन से दांत अनुपस्थित थे। तो जैसा कि आपने दांतों वाले टॉपिक के अंदर अध्ययन किया था कि बच्चों में, मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो है उन बच्चों के, बच्चों में दांत, टोटल दांत होते हैं 20 और उन दंत सूत्र क्या होता है 21-02/21-02। और मैंने ये बात भी बोली थी उस समय कि बच्चों के अंदर जो है वो 00 जहाँ पर नजर आए वो दांत अनुपस्थित होते हैं और उन दांतों का नाम क्या है। देखो ये इंसाइजर हो गए, ये कैनाइन हो गए, ये कौन से हो गए, PM प्री मोलर या अगर जबरन। तो बच्चों के अंदर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, देखो ये भी घुमा के दिया गया है, मतलब कि कैंप लगा वहां पर चेक कराने के ताकि ये क्वेश्चन को घुमा दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अग्रचवर्ण प्री मोलर। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन थे जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, प्लस जो है वो नीट के अंदर जिस क्वेश्चन से आरनाल से, ओनली फॉर आरनाल से मुख से गुदा तक के क्वेश्चन है। आगे जो जो और टॉपिक करेंगे उनके अपन क्वेश्चन करते जाएंगे। धन्यवाद।